हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड। हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि आपका कितना अटेम्प्ट होना चाहिए और कितना सेफ स्कोर आपका रहेगा, ठीक है। इसमें हम वैकेंसी के बारे में, जितनी वैकेंसी उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि वैकेंसी कितनी है और किस हिसाब से आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्या कट ऑफ टीयर बन की रहेगी, ये पूरा डिटेल एनालिसिस हम इस पर करने वाले हैं। बहुत दिन बाद पीकी क्लासेस में कोई वीडियो आ रही है, तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है लाइफ में कि आप उनको नहीं रोका जा सकता है। तो उससे ओवर होने के बाद हम ये वीडियो ला रहे हैं और अब ये कंटिन्यू आपको गाइडेंस मिलता रहेगा पीकी क्लासेस की तरफ से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको एकदम क्लियरिटी पता चल जाएगा कि आपको किस वे में तैयारी आपकी चल रही है, क्या सही वे में जा रहे हैं कि आप गलत वे में जा रहे हैं, और कितना आप स्कोर कर रहे हैं मॉक में, जो आपको क्या टीयर वन क्वालिफिकेशन के लिए जो नंबर चाहिए, क्वालिफाई करने के लिए जो नंबर चाहिए, क्या आपको मिल सकते हैं, आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो अगर हम आगे की बात करूं तो इसमें अगर हम आगे देखें, देखिए ये जो कट ऑफ आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2022 का कट ऑफ है, 2022 का कट ऑफ लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि 2022 में वैकेंसी आपकी 32 के आसपास थी, मतलब 32 के थे, मतलब 32,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो इसका मतलब ये आपका कट ऑफ भी गिरेगा। कट ऑफ गिरेगा तो मतलब, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा जाएंगे मेंस में, तो मेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट जाने से वजह से क्या होता है, आपकी कट ऑफ में थोड़ा सा क्या होता है, गिरावट आ ही जाती है। तो इसके लिए आपको मैं बताया, ये आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको कहीं एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, देखते हैं एक मिनट ना। हाँ चलिए, ये इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। देखिए यूआर की जो कट ऑफ गया था वो 114.27 गया था, और 15,407 वैकेंसी था उस समय इसका, तो यूआर का, तो इतना वैकेंसी गया। ओबीसी का 102. कुछ गया था, तो 8,337 वैकेंसी था। एससी का 89 गया था, 89 समथिंग कुछ था, तो 5,571 वैकेंसी। और एसटी का आपका 77 गया था, तो 2,888 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस का 114. मतलब ईडब्ल्यूएस और यूआर का कट ऑफ लगभग सेम ही गया था, और 3,798 स्टूडेंट थे। ओएच में 70 कट ऑफ गया था, 451, और वीएच का जो कट ऑफ गया था वो गया था 40 कट ऑफ गया था, 442 कैंडिडेट इसमें लिए गए थे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें 2023 की बात कर लेता हूँ, क्योंकि 2023 में क्या हुआ, 2023 में थोड़ा सा वैकेंसी आपका कम हो गया, कुछ ही कम, 8,000 के आसपास आपकी कुछ वैकेंसी थी, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम वैकेंसी का पूरा डिटेल दे रखा है। देखो अगर यूआर की बात करूँ, देखो कट ऑफ आपका यहाँ से चला गया ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ गया था 114, क्योंकि 15,407 वैकेंसी थी, 15,407 वैकेंसी थी आपकी, ठीक है, तो इस वजह से ये आपका इतना चला गया था। लेकिन अब क्या हुआ, ये आपका वैकेंसी रहेगा 3600, तो 3600 वैकेंसी का रहेगा, तो आपको कट ऑफ देखो ऑब्वियसली इंक्रीज होना ही होना है। ओबीसी की बात करूँ तो 145.93 गया था, 1750 वैकेंसी थी। एससी की बात करूँ तो 126.68 कट ऑफ गई थी, 1189 वैकेंसी थी। एसटी की बात करूँ 118.16 थी, और 576 स्टूडेंट को लिया गया था। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 143.44740 आपकी वैकेंसी थी। इसी तरह ओएच का 115 गया था, 92 वैकेंसी थी केवल। ओएच एचएच का 74.94 वैकेंसी था, और वीएच का 121 कट ऑफ गया था, 54 वैकेंसी था केवल, ठीक है। तो ये जो आपने कुछ देखा, देखो 2022 और 2023 में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि 2022 में वैकेंसी बहुत थी, 2023 में वैकेंसी आपकी उससे एक चौथाई वैकेंसी थी, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ तो ऑब्वियसली बढ़नी है, तो कट ऑफ इस वजह से इंक्रीज हुआ था। अब बात करते हैं 2024 में, 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि 2024 में वैकेंसी 17,000 के आसपास अभी सुनने को मिल रहा है, जैसा कि जब अलग अलग जगह देखा जा रहा है कि 17,000 प्लस वैकेंसी है आपका। तो अब इसमें ये देखना कि 17,000 वैकेंसी प्लस तो है, तो इसमें कट ऑफ कितना रहने वाला है, आपका कट ऑफ कितना रहेगा, ये मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दूंगा कि कट ऑफ आपका कितना रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, कट ऑफ आपका कितना रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर हम वैकेंसी की बात करूँ, अगर वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी आपकी अगर 17,000 है, 17K वैकेंसी आपकी बताई जा रही है, ठीक है, 17K आपकी वैकेंसी अभी बताई जा रही है, जैसा कि अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा 17,000 के आसपास वैकेंसी है आपकी, ठीक है। तो 17,000 के आसपास वैकेंसी है, तो अगर हम
सबको अलग अलग बताएंगे, इसको अरेंज करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। अगर हम यूआर की बात कर लेते हैं, यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, देखो 17,000 वैकेंसी है, तो यूआर की कितनी भी कम वैकेंसी होगी तो आप मान के चलिए 6,000 के आसपास वैकेंसी यूआर के लिए होगी उसमें। तो उस हिसाब से जो यूआर की कट ऑफ बन के आ रही लगभग लगभग एक मान के चलिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो क्योंकि हर कोई सेम जगह से पढ़ रहा है, हर कोई तैयारी अच्छी कर रहा है, तो मतलब अब नॉर्मलाइजेशन का वेरिएशन होता है, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ में पर स्टूडेंट्स के कैंडिडेट के नंबर चेंज हो जाते हैं। उस बेस पर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो यूआर के लिए जो है 143 अगर आपके नंबर इतना आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा, इसमें प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा, इसके अराउंड ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी यूआर की। सॉरी, अगर हम यहाँ पर बात करूँ ओबीसी की, ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है वो 138 जाएगी, और इसमें प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस 2 करने से, क्योंकि देखो वेरिएशन नॉर्मलाइजेशन होता है तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, ये कोई कहने लगे कि एग्जैक्ट ये जाएगा तो ये तो नाइंसाफ क्योंकि, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं इसमें लगभग लगभग यही कट ऑफ जाने वाला होगा, ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा और बात करूँ, थोड़ा सा इसके अलावा अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूँ तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 118 के आसपास आपकी भी कट ऑफ रहेगी, और ये सिर्फ प्लस माइनस 3 कर लिए, क्योंकि एससी कैंडिडेट में क्या होता है, स्टूडेंट के क्वालिटी में वेरिएशन होता है, कुछ कोई ज़्यादा नंबर लाता है, कोई कम नंबर, तो क्या है तो आपका गैप बहुत ज़्यादा बन जाता है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का ईच का स्टूडेंट्स में एससी के, तो इसमें क्या होता है आपकी कट ऑफ में रिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को, चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस चेंजेस को मैंने ध्यान में रखते हुए तो आपके लिए इसलिए मैंने प्लस माइनस 3 किया है कि आप प्लस माइनस 3 करके चलिएगा तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अगर अब हम बात करें यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी की अगर बात करूँ 2023 में कट ऑफ गई थी 118, लेकिन इस बार जो इनकी कट ऑफ जाने वाली है वो 105 के आसपास जाएगी, प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा, इसमें ये आपका कट ऑफ रहेगा, सॉरी प्लस माइनस 3 करना है आपको, प्लस माइनस 3 कर लीजिए, आपके लिए इतना कट ऑफ रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, देखो पिछली बार जो कट ऑफ गया था इनका 143.44 गया था 2023 में, जहाँ 740 कुछ वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी 1000 के आसपास इनका 1200 के आसपास इनका वैकेंसी रहने वाला है, ये तो डैम श्योर है क्योंकि 17,000 वैकेंसी है। तो इनका जो कट ऑफ मान के चलिएगा, जितना मैं बता पा रहा हूँ आपको, इनका कट ऑफ जो जाएगा इस बार जो हमें लगता है इनका कट ऑफ जो है 136 के आसपास इनका कट ऑफ रहेगा, ठीक है, 136 के आसपास इनका कट ऑफ रहेगा, इतना कट ऑफ इनका जाने की संभावना पूरी रहेगी, प्लस माइनस 2 करिएगा आप ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं ओएच कैटेगरी की, ओएच कैटेगरी की बात करूँ, पिछले साल 115 गया था, उससे पहले आपका 70 गया था, तो उससे पहले छोड़ दीजिए, वैकेंसी 451 थी, इस बार वैकेंसी 92 थी, इस बार वैकेंसी आपकी 90 के आसपास रहेंगी, तो क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका कंपटीशन आपके में भी बढ़ रहा है, तो आप मान लीजिए 102 प्लस आप नंबर लाएंगे और प्लस माइनस 3 करेंगे तो आपका ये मान चलिए कि आपका स्कोर में आप रहेंगे। अगर बात कर लेता हूँ वीएच कैटेगरी की, अगर वीएच कैटेगरी की बात करूँ, इनके में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हाई लेवल का होता है, क्योंकि स्टूडेंट अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं इनमें, तो 110 से 112 तक आपका कट ऑफ जाएगा, मतलब प्लस माइनस आप 3 रखिएगा, इतना आपका जाएगा। अगर अदर पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो 93 नंबर आपको लेना होगा, अदर के लिए बोलो 93 नंबर लाना होगा, और ईएसएम के लिए बात करूँ, एक्स सर्विसमैन की बात करूँ यहाँ पे तो एक्स सर्विसमैन को लाना होगा आपको 72 के आसपास नंबर लाना होगा, एक्स सर्विसमैन को जो है 72 नंबर के आसपास लाना होगा। अगर इतने नंबर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है, इतने अगर नंबर आप लाते हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ थी, क्योंकि ये आपको वीडियो अभी दिखने लगी होगी, क्योंकि अभी नया मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है किसमें इसको यूज करने से ये आ जाता, तो अभी आपको मेरा फोटो दिख रहा होगा, खैर अब अच्छा बात है कि इसमें फोटो भी आता, तो हम इसको थोड़ा साइज भी बड़ा कर सकते हैं इसका शायद, अभी इसको मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये कट ऑफ मान के चलिएगा, यही कट ऑफ आपकी जाने वाली है, और इसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, और अगर आप इसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप मान के चलिए आप फाइट में हैं। आप अगर हम मान के चलते नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं बता, फिर भी अगर आप जिन लोगों के 135 प्लस मॉक में लगातार आ रहे हैं यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो ये मान के चले उनका सिलेक्शन होने की तैयारी हो चुका, उनका प्री निकल चुका है, प्री की तैयारी उनकी अच्छी चल रही है, मेंस के लिए आप अभी प्री दे लीजिए, मेंस के लिए आप लगातार कंटिन्यू प्रयास कीजिए, मेंस का एक दो एग्जाम देते रहिए, क्योंकि एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे आपकी कंटिन्यू मेंस के लिए होकर बने, क्योंकि आपके 135 अगर फ्रिक्वेंसली आपके इतने आ रहे हैं
इतने प्लस आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन फ्री में तो होने वाला है, आप मेंस के लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।